Okay. Good evening to all of you. Good evening. Good evening. Okay, that's right. Okay. Well, last time we derived an expression for binding energy of a revolving satellite. एक बार फिर से मैंने बोर्ड मिटाया नहीं है सो दैट आई कैन रिवाइज इट एंड विल प्रोसीड फर्दर. यू सी, बिकॉज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, इट इज नॉट एट रेस्ट, सो इट इज रिवॉल्विंग विद क्रिटिकल वेलोसिटी, देयरफॉर इट पजेस काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी सी स्क्वायर. बट वी नो वीसी का फॉर्मूला. वीसी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन छोटा आर. इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे उसका स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू जी एम अपॉन छोटा आर जी एम एम बाई टू आर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल इज गिवन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द ऑर्बिट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट, तो माइनस जी एम अपॉन छोटा आर इंटू छोटा एम, तो माइनस जी एम एम अपॉन छोटा आर. के और टी मिला तो नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सम ऑफ now what is total energy? Sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy gmm by 2r, potential energy minus gmm by r. When you do this you will get minus gmm by 2r. Thus total energy is negative, which means satellite is bound with whom? Earth, with this much energy. Minimum energy to unbind it is called binding energy. Binding energy is minus of total energy, that is minus of minus gmm by 2 chota r gmm by 2 chota r. And if it revolves very close to the earth surface, then formula will become gmm by 2 capital R. By 2 capital R, I think you can see. It's chota R ke badle bada R ho jayega. Jab bhi very close hai to samajh jane ka, H is to be made 0. GH ke badle G likhna hai, chota R ke badle bada R likhna hai. Ye aapne copy kar liya to sabhi ne? Tell me. No, no sir. Okay, copy kar lo. Fatafat copy kar lo. ये कॉपी कर लिया इतना काइनेटिक एनर्जी? नो सर. ओके कॉपी कर लो. कॉपी कर रहे हो सभी लोग? इन द मीन टाइम आई आस्क सम क्वेश्चंस. जी तुम कैपिटल जी इनटू कैपिटल एम कैन बी रिप्लेस दिस व्हाट सर? स्मॉल जी इनटू सर कैपिटल आर स्क्वायर. वेरी गुड सर. और सर स्मॉल जी और सर स्मॉल एच और सर रूट जी एम अपॉन आर स्मॉल आर. रूट छोटा जी छोटा एम अपॉन छोटा. दैट्स वेरी गुड आंसर. इज दैट आंसर? बिग जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर. तो ऐसा बोलना. ओके इसके बाद पीरियड का फॉर्मूला मुझे कौन एंड कुरेशी बताएगी? कौन एंड कुरेशी? पीरियड कैपिटल डी इक्वल टू कौन एंड कुरेशी? अनम्यूट योरसेल्फ. हां सर बोल. पीरियड का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूले हैं. फॉर्मूला हाँ ओके. हुसैन दागी टू पाई आर अपॉन
2 pi r upon critical velocity. That's right. And that is equal to, एक और फॉर्मूला बताओ खत्म. वेरी गुड आंसर. क्या कौन है? 2 पाई रूट आर क्यूब. हाँ, आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम. ओके, लवली आंसर. 2 पाई छोटा आर अपॉन वी सी या 2 पाई बड़ा आर अपॉन वी सी? सो एक्सक्यूज मी, कैपिटल आर. कैपिटल आर इज रॉन्ग. कैपिटल आर इज रॉन्ग. 2 पाई छोटा आर. 2 पाई छोटा आर अपॉन वी सी. क्या रे, इतना अच्छा आंसर दिया. फिर कैपिटल स्मॉल मैं बोला इसीलिए बोलता हूँ कि तुम लोग कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर बोलो बोलते टाइम. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट इट इज अ बेटर आंसर कौन एन कुरेशी. थैंक यू माज. ओ माज, माज, अरे अनम्यूट करके हाँ बोल. यस सर, ऐसा बोल. यस सर. टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट. सर जी, सर शुड आई? नो नो, ओनली माज. Maj, it is very bad. I didn't like this. Jitu, tum bolo. So binding and so of a revolving satellite. So capital G, capital M, small m upon 2 r. 2 r. 2 which r? Small r or capital r? So small, small. What small? अरे गधे, स्मॉल राइट था सर. वही बोलने वाला था पर. क्या बोलने वाला था पर? ये रहा सामने आंसर है. और क्या कैपिटल आर बोल रहा है जी तू? व्हेन इट इज रिवॉल्विंग क्लोज तब जाके कैपिटल आर आता है. तू कैपिटल आर कब आएगा? व्हेन रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस. तुमने भी चेंज कर दिया कैपिटल आर. कैपिटल आर सर, आई डोंट लाइक दिस. अभी कॉपी कर लिया कि नहीं? अभी भी बच्चों मुर्तजा कॉपी कर रू? मुर्तजा हाँ सर. कौन है? ओ आलोक. यस सर. ओके विधि, आर यू देयर टुडे और नो? विधि भट्ट. सर आई एम देयर. विधि भट्ट, ओ लवली. आर यू सीन यस्टरडेज लेक्चर? यस सर. Okay, I am specially, I put on your this thing also. अब मैं summary करता हूँ. देखो, kinetic energy, potential energy, total energy, binding energy, right? ये ऐसन ऐसन ऐसन, ये ऐसन satellite at rest, satellite revolving. इसको हम लोग समराइज कर देते सब फॉर्मूले को एक जगह पे. काइनेटिक एनर्जी सेंटर बॉडी एट रेस्ट जीरो. पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर. रेस्ट है तो स्मॉल आर आने का सवाल ही नहीं. अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिस टोटल एनर्जी सम ऑफ दिस टू, इट इज माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर. बाइंडिंग एनर्जी इसका निगेटिव तो इट विल बिकम प्लस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर. अब यहां पे आओ, काइनेटिक एनर्जी जी एम एम अपॉन टू कैपिटल आर स्मॉल आर. आई डोंट फॉर आई फॉरगॉट. उष्णा कैपिटल आर और स्मॉल आर? उष्णा यस सर. इधर क्या लिखूं, कैपिटल आर और स्मॉल आर? स्मॉल आर. दैट्स राइट. अरे कल वाली न्यूज़ स्टूडेंट नहीं, वैष्णवी, आर यू देयर? वैष्णवी, 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 आई थिंक शी इज नॉट देयर. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी एम एम अपॉन छोटा आर. ये बड़ा आर ये छोटा आर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो
it will be minus gmm upon 2 chota r. And this is plus gmm upon 2 chota r. ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो. Anybody has her number? ग्रुप में नंबर है ना किसे? जीतू उसके नंबर है ना वैष्णवी का? हाँ आ गई वैष्णवी है, इज देयर वैष्णवी? व्हाई यू केम लेट वैष्णवी? व्हाई यू केम लेट? सर देयर वाज नेट प्रॉब्लम. ओके ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो. और ये आई एम गोइंग टू आस्क, बहुत यूजफुल फॉर JEE, CET, NEET, सब जगह काम का ये टेबल. मिटा दूं? मिटाऊं? सर कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? विच वन? विच वन सर? दिस होल टेबल. This whole table, who is asking this? Can I know? I could not see the name. Vaishnavi. Vaishnavi, actually, तुम बहुत late आई हो. लेकिन फिर भी बता देते हैं कुछ, कोई body rest पे होते हैं ना तो kinetic energy उसका zero. Because it does not possess any velocity. And kinetic energy of revolving is gmm by 2r. ये सब मुझे भूल जाओ आप. तो VC का formula याद है हमको, root of gm upon छोटा r. Kinetic energy का formula half mv square. हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया जी एम. तो जी एम एम अपॉन टू आर लिखना बहुत इजी. पोटेंशियल एनर्जी का मैंने डायरेक्ट रिजल्ट दिया था कल, इधर रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो कैपिटल आर, रिवॉल्विंग तो छोटा, ये दोनों को ऐड करो तो ये दोनों को ऐड करो तो ये. बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो वी गेट माइनस हटा देगा तो ये आंसर मिल जाएगा. और रिवॉल्विंग क्लोज होगा ना कभी भी, तो छोटे आर को बढ़ कर देगा मोटे आर. छोटे आर के बदले क्या लिखने का? मोटे आर. क्लियर अबाउट दिस? All of you copy it? Sir. हाँ बोलो बोलो जीतू. Sir, Conan का वाईफाई नहीं चल रहा है. अरे क्या Conan का वाईफाई नहीं चल रहा है? Conan को बोलो खाली अटेंड करेगी, आंसर नहीं देगी, बस उसको बोलो. कैसे पता चला? उसका मैसेज आया था कि मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, सर को बोल दो. अरे वो बायो के लेक्चर में भी नहीं थी, ऐसे चलेगा नहीं उसको. बायो का मैंने मैसेज पढ़ा, एक लेक्चर में गायब, एक लेक्चर में अटेंड. आई डोंट लाइक दैट. ओके अभी है ना, एक क्वेश्चन लिखो, ऐसा क्वेश्चन लिखो. डिफाइन एस्केप वेलोसिटी. क्वेश्चन लिखो, डिफाइन एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी डिराइव an expression for escape velocity from the surface of the earth, from the surface of the earth. Also show that VE equal to root 2 VC for a satellite revolving close to the earth. Okay, copy kiya itna? इतना कॉपी किया सभी ने? क्वेश्चन कॉपी किया? यस नो? यस सर. अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इसके प्लस में डिफाइन कर दीजिए. सपोज इस सरफेस ऑफ द अर्थ, यहां से सपोज किसी बॉडी को इसके प्लस में दे दी जाए तो क्या होगा उसका? पहले कॉमन सेंस से बोलो क्या होगा उस बॉडी का? It'll escape Earth's atmosphere. Escape, कभी वापस आएगी नहीं. No police case, nothing. किसी के साथ दुश्मनी है उसको उठाओ, escape velocity दे दो, खत्म. Body भी कभी मिलेगी नहीं उसकी.
All right, but it's not easy. Now, therefore, what is the definition? It is a very, very high velocity or very, very low velocity? Very high or very low? So very high. Very high. What will be minimum or maximum? So minimum. That's right. It is defined as the minimum velocity with which your body must be projected. Minimum velocity with which your body must be projected from the surface of the earth so that it escapes the gravitational influence of the earth. Khalas. You can write this definition in your own words. Important word is minimum. I hope it's clear. It is defined as the minimum velocity with which a satellite must be put into from the surface of the earth so that it becomes completely free from the gravitational influence of the earth and never returns. Kuch bhi bolo, matlab word minimum aana chahiye. Write down. Aisa likho. It is defined as the minimum velocity with which a body must be projected from the surface of the earth so that it escapes from the gravitational influence of the earth. So that it escapes from the gravitational influence of the earth. Quickly go. Next title, you go. Expression for escape velocity. Expression, your formula for escape velocity. Expression for escape velocity. Pehle likh do, let capital M equal to what? Yes, tell me what will I write capital M equal to? Bhai mujhe batayega. Murtuja, what is capital M? Murtuja. Kya? Mass of the earth. That's right. Wonderful answer. Mass of the earth. Roshni, what is capital R? Roshni. Radius of the earth. That's right. What is small m? Mass of a body. Yeah, mass of satellite. You can write it here. Yahan pe body likhte ho. All right. मुझे एक बात बताओ, as the body is at rest, what is the kinetic energy? Body is rest पे ना, अर्थ पे चुपचाप पड़ी है, उसको फेंकना भी बाकी है, लेकिन पहले उसकी kinetic energy क्या होगी? Zero. That's right. Potential energy, so I have already told you. Anybody knows what is the formula for potential energy of a body at rest on the surface of the earth? Abhi table mein dekh lo. What is the formula? Potential energy ka formula. So negative capital G capital M small m upon capital R. I really like Jitu. Abhi bas aise achhe lagte ho, aise answer dete raho. And what is total energy? Kinetic energy plus potential energy, and that is equal to minus G M M upon capital R. While what is binding energy? It is minus of total energy, which is equal to G M M upon capital. ये binding energy. अब सुनो मेरी बात. यहाँ तो copy कर रहे हो ना मेरे साथ साथ. ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक मिनट कॉपी कर रहे हो कि नहीं? आई एम आस्किंग वी आर कॉपी. ओके अब है ना, अपना पेन पुट योर पेन डाउन और मेरी बात सुनो.
सपोज एक्चुअली है ना, मैंने कैपिटल जी की वैल्यू डाली है, फिर कैपिटल एम की वैल्यू डाली, फिर ये सब वैल्यू डालने के बाद इसका आंसर आया 10,000 जूल, क्योंकि एनर्जी है तो आंसर इज कमिंग जूल. ऐसा रॉन्ग आंसर है, जस्ट डोंट टेक इट. फिर मी व्हाट विल हैपन इफ आई गिव एनर्जी टू द बॉडी 8,000 जूल, व्हाट विल हैपन? 8,000 जूल दूंगा तो क्या होगा? विल बॉडी एस्केप द एनर्जी? इट विल कम बैक. 9,000 दूंगा तो जब किसी बॉडी को आप वेलोसिटी देते हैं तो कौन सी एनर्जी देते हैं उसको? कौन सी एनर्जी देते हैं किसी बॉडी को? वेलोसिटी दिया तो कौन सी एनर्जी सप्लाई की? पोटेंशियल एनर्जी. यार ये वेरी बैड आंसर. काइनेटिक एनर्जी यार. मास और वेलोसिटी तो कौन सी एनर्जी दी? काइनेटिक. हाइट के ऊपर पोटेंशियल तो mgh होता है. तो दिस एनर्जी सप्लाई, अभी लिख सकते हो मेरे साथ, दिस एनर्जी इज सप्लाइड in the form of kinetic energy if ve is escape velocity. Then therefore kinetic energy supplied will be half mve square. ये half capital M लिखो, small m लिखो. Anybody? यहाँ पे capital M लिखने का कि small m लिखने का? Who can tell me this? So small m. Small. Small. Are you sure? Yes, sir. Sir, it is small. Capital M लिखेंगे तो Earth को हम लोग escape velocity दे रहे. Earth को we are not giving escape velocity to Earth. So it is definitely small m. अच्छा, tell me if this energy is 9,000 joule, will it go? No. Nein, if it is 9999 joule, will it go? Sir. Yes. 12,000 joule, will it go? 12,000 joule? Yes, sir. What is the minimum velocity? Can I say one thing? There are conditions for it to escape. Condition for satellite to escape is kinetic energy supplied has to be greater than binding energy. ये लिखना मत, 9,000 नहीं ये सब. But for its minimum value, but for its minimum value, tell me what should I write minimum value? Anybody? ये क्यों ज्यादा? एक बात बताओ, सपोज कोई आके मेरे को बोले मेरे को 10,000 रुपया पर मंथ चाहिए, तो why will I give 12,000? Why will I give 15,000? I hope it's clear. तो यहाँ पे क्या करने का? Anybody can tell me the next step? But for its minimum value, ये ज़्यादा देंगे तो अच्छा है, लेकिन ज़्यादा क्यों देने का? यहाँ क्या लिखूँ? Anyone? To escape. अरे ये energy जो supplied should be more than binding energy. किसी आदमी को मेरे को पगार पे रखना है, वो 10,000 मांग रहे, तो what should I give? 12,000, 15,000 या क्या? क्यों ज्यादा देने का? एंड देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन कैपिटल आर. Yum yum gets cancelled, and therefore ve square equal to 2gm upon bado r, and therefore ve equal to square root of 2 capital G capital M upon capital. This formula you have to learn by heart. Sir, so why have you written the condition for satellite to escape kinetic energy supply should be greater than binding energy? Yeah, I have written because अगर आपने
10,000 से ज्यादा, एक एग्जांपल देता हूँ, 10,000 जूल चाहिए थे, 12,000 दिया, 15,000 दिया, 17,000, विल इट गो और नो? विल इट गो और नो? But yes, what is the minimum condition is that you must supply more energy, more than binding energy. फिर मैंने लिखा why more, minimum value क्या चाहिए उसको, minimum value क्या चाहिए? So equal to binding. Equal to, so therefore unnecessary don't give greater, give equal. It will never escape if the energy supplied is less than binding energy. Greater than yes, but minimum value equal. That's why I have written. I hope it's clear, beta. Yes, sir. ओके okay. आज ये भी नहीं आई लगता है, अस्का अस्का है, 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 अस्का है, है, है. अच्छा एक बात बताओ, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू नोटिस, एनीबॉडी यू कैन टेल मी, सर आई नोटिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू आर जनरली नोटिसिंग अदर अदर डेरिवेशंस आल्सो, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट. माय गॉड, सुपर डुपर आंसर उष्णा. ओके राइट डाउन सर, इट वाज विधि. Vidhi, oh sorry, मेरे को बहुत अच्छा. Vidhi, wonderful. You were absent yesterday. Still, you have seen the video and you have prepared so well. And the other students who were attending and are not giving answer, I really appreciate. इसके बाद लिखो, from the expression of escape velocity, we notice that. Escape velocity is independent of mass of satellite. I hope it's clear. एक बार मैं रूलर मार देता हूं. Because it is a very simple derivation or important derivation. The capital M mass of Earth, R it is over, small m mass of a body. As the body is at rest, kinetic energy is zero. Potential energy is minus Gm upon capital R. Total energy is sum of these two. Minus Gm upon capital R. Binding energy is minus of that is iska minus of R. Ye mat likhna. This energy is supplied in the form of kinetic energy. The escape velocity, kinetic energy supplied will be half mv square. Condition for satellite to escape is we must supply this energy more than binding energy. Ye to condition hai, but then I'm saying for its minimum value equal to binding energy kar do. Kinetic energy supplied half mv square, binding energy gm upon capital R, and yum gets cancelled, v square is 2 gm upon r v square, but we're independent of mass of satellite. अब ऐसा लिखो इसके बाद टाइटल, टू प्रूव v इक्वल रूट टू वी सी, प्रूव v इक्वल टू v इक्वल टू रूट टू वी सी. एक बात जीतू, तेरे क्वेश्चन पढ़ते वापस, ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट जीतू, अरे जीतू गायब, जीतू गायब मतलब ये छोड़ के भाग गया है, भाग चुका है. आफीफ लास्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, so derive an expression for escape velocity from the surface of the earth. Aage last part. Sir ahead we have question. Are kya yaar, maine ye nahi bola, show that v equal to root 2 vc, aisa nahi likha hai maine question, I'm sorry if I have not given this question, show that v equal to root 2 vc nahi likha hai kya, I'm asking Ushna Vidhi, ye likha hai ki nahi maine abhi aaj, अरे मेरे को बताओ शायद भूल गया मैं क्या, सर लिखा है, तो फिर ये आफिफ बोल क्यों नहीं रहे, आफिफ सर आई डिडंट हियर सर, व्हाट डिडंट हियर सर, द क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा पढ़ दा, लास्ट पार्ट क्या है सर, शो वी इज इक्वल्स टू रूट
2 vc आगे sorry I didn't write after that I didn't hear anything what you didn't hear I have written on the whiteboard उसने क्या लिखा है इसके आगे so that v equal to root 2 vc क्या आगे कुछ लिखा है उष्णा शायद मैं भूल गया क्या नो सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है 2 प्रो v is equal to root 2 vc लिखा है खाली उतना लिखा है तो प्लीज इसको क्वेश्चन में ऐड करो फॉर अ सैटेलाइट तो मेरे को बोलो यार ये तो पहले यही नहीं बोल रहा था मेरे को फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू अर्थ सर्फेस ये लिखना है क्वेश्चन में ऐड करो पहले तो मेरे को लगा ये मैंने दिया ही नहीं है वीकुल रूट टू वी सी क्वेश्चन में ऐड करना है ये फॉर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सर्फेस एक मिनट ये v का फॉर्मूला जो निकाला था हमने सुनो रूट टू जी एम अपॉन कैपिटल उसके सामने लिख दो इक्वेशन नंबर वन उसको इक्वेशन वन कर दो वहां पे हाँ ये सभी ने क्वेश्चन में ऐड किया तो मिटा दो इसको यस ओके देखते ना मुझे आंसर देगी विधि विधि भट्ट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी विधि भट्ट विधि भट्ट जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर रूट क्या ऑपरेशन बहुत क्यों पार्ट अरे वैष्णवी प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज स्विच ऑफ योर माइक वैष्णवी हाँ हाँ विधि बोलो विधि भट्ट अंडर रूट कैपिटल जी इनटू बिग एम अपॉन स्मॉल आर दैट्स राइट बट अगर मैं यहाँ पे लिखू वी नो दैट फॉर अ सैटेलाइट revolving close to the earth surface anybody can tell me what is their idea what change will come I would like to ask aska change kya aayega isme that's right lovely very good aska smaller ke badle kya because that is equation number 2 divide 1 by 2 तो स्मॉल आर के बदले आर प्लस स्मॉल एच नहीं आएगा अरे आएगा बेटा रिवॉल्विंग क्लोज के टाइम पे एच बिकम जीरो ना हाँ वो भूल गया याद आया ना हाँ तो वन डिवाइड बाय टू प्लीज आस्क ऐसे बिंदास क्वेश्चन पूछो वी बाय वी सी इज रूट ऑफ टू जी एम अपॉन कैपिटल आर upon root of gm upon capital R and that is root of 2 and therefore VE equal to root 2 VC. फिर अभी कुछ नोट लिखेंगे आप लोग नोट इसके बाद लिखेंगे कुछ कुछ नोट इतना कॉपी किया सभी ने प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट सभी कॉपी एक मिनट जीतू किधर गायब हो गया था अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था वेयर वर यू सो वो एक्चुअली मैं तो पहले तो पानी पीने चला गया था अरे क्या पानी बॉटल रखना पास में सॉरी व्हाट आर यू डूइंग यार 40 मिनट का लेक्चर ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे का लेक्चर है कि पानी पीने चला गया सॉरी चलो मिटाऊं क्या हाँ
मार्च है. आलोक गुप्ता. हाँ सर. बताऊं? यस सर. यस सर. इसके बाद ऐसा लिखो नोट वन. नोट वन v equal to root of 2gm upon capital R. Put gm equal to gr square. Put gm equal to gr square. Suppose equation number 1, substitute in 1. And therefore VE ka answer aega root of 2gr square upon r. And therefore, V equal to root of 2GR. If G equal to 9.8 meter per second square, and R, reduce of R ki value, yaad hai kisi ko? Kya thi? Dheere dheere yaad ho jayegi aapko. 6,400 kilometer. That is equal to 64 into 10 raised to 5 meter. Okay, therefore VE equal to root of 2 into 9.8 into 64 into 10 raised to 5. इधर से copy किया है तो इसके बाद pen, put your pen down. Put your pen down. यहाँ तक copy कर लिया सभी ने कि नहीं? यहाँ तक almost. Okay, Hussain, have you copied up to this? Hussain? Yes. Vaishnavi, Vaishnavi? Yes, sir. Okay, ab dekho, yahan pe, everybody only observe this, what I am doing. Tell me one thing. Ye 64 ka root mein bahar nikal leta hun, so it will be 8. Either 2. Into 10 is to 5 ko 10, into 10 is to 4 likho. 10 ko isse multiply karu. 98 into 10 is to 4. Is this clear or not? 10 is to 5, I'm writing 10 into 10 is to 4. Clear. Huh? Okay. Clear. 10 is to 4, bar can I say it will become 800? Or 98, can I write 2 into 49? 98 is 2 into 49. Root of 4 into 49. That is 800 into 2 into 7. That is 800 into 14, and that is equal to 12,000 meter per second, and that is equal to 11.2 kilometer per second. इतना copy कर लो. इसकी value भी आ गई. मतलब अर्थ सर्फेस से किसी को 11.2 किलोमीटर से पर सेकंड. सर एक बार रोलर मारो ना. हाँ क्या? सर एक बार रोलर मारो ना. अरे रोलर मारूंगा मैं. Copy कर लो. 100% मारूंगा. Don't worry. 100% मारूंगा. मैं खाली बात बता रहा था कि किसी सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंको, बॉडी विल एस्केप. ये कॉपी कर लो, मैं रूलर मारने के लिए तैयार हूं. ये रहा मेरा रूलर आपके सामने, लेकिन लेस देन 1 मिनट इज देयर. कॉपी कर लो, मैं मिटाऊंगा नहीं बोर्ड, एज इट इज मैं चालू कर दूंगा अगली बार रूलर मारते हुए, अगर टाइम खत्म हो जाता है तो. ये तो कॉपी किया था ना सभी ने यहाँ तक? यस और नो? यस और नो? हाँ सर, पूरा कॉपी करती हूँ. देखो यहाँ पे है ना 2 into 9.8 into 64 into 10 to 5. यहाँ पे मैंने क्या किया मालूम है? 64 का रूट मैंने बाहर ले लिया 8. 10 to 5 को मैंने लिख